साहब सत श्री अकाल भाइयों बहनों दिव्य सज्जनों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बता दो भाई फटाफट, एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंसी, कैसे हो बेटा? यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं देखना चाहता हूं कि मेन क्लास में हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। फटाफट आ जाओ भाई, मेक सम नॉइज यू देसी गर्ल्स एंड बॉयज, आ जाओ। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं नाजिया, रिम जिम, एंजल, ऋषि, नहीं राशि, सॉरी सॉरी, वो राशि थी, है ना, वो राशि थी। चलो अनाया, आनिया, आनिया, इट्स आनिया, जोएब, अमन, हरमनदीप, अमित, सुकृति, आयुषी, करण, कृषिका, नायरा, अंशिका, प्रिया, गॉन आर दोज डेज जब आप लोगों के नाम अमित, सुमित और प्रणीत हुआ करते थे। भाई आज मैं नाम लेता हूं, मेरे को दो बार पढ़ना पड़ता है कि लड़का कहना क्या चाह रहा है। नायरा मतलब कृषिका, भाई क्या नाम है भाई, तुम्हारे मम्मी पापा ने प्रॉपर बैठ के मेरे को लगता है घंटे दो घंटे इस पे ना विश्लेषण किया कि कोई ऐसा नाम बनाए जो कोई इजिली बोल ही ना पाए। खैर अच्छा है, लेकिन कुछ इट्स यूनिक तो लोग याद भी रखेंगे, है ना। सहज, भाई साहब नाम ही रख दिया सहज, सहज में नाम रख दिया भाई, वाह वाह वाह। अमरनाथ, भाई साहब आपका नाम लू या आपके पैर पढ़ लू समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। फिर क्या, मुंशी, ओके, नियति, मतलब मैं से अभी मतलब नाम देखो यार, मतलब मैं क्या बोलू। आशावरी, भाई साहब अरे भैया कोई सिंपल नाम रख लो यार, अमर, प्रेम, पूजा, क्या हो गया, मतलब टीचर्स को भी ऐसा फील आता है ना ये नाम लेने के लिए। ए चल मजाक कर रहा था भाई, ऐसे ही मैं मस्ती करते रहता हूँ। बट बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। YouTube पे कुछ खतरनाक नाम वाले लोग आ गए क्या? तनिष्क, अच्छा, हर बैच में ना आई हैव रियलाइज हर बैच में एक ना एक तनिष्क होता है, एक तनिष्क के वाला होता है तो कोई तनिष्क क्यू वाला होता है, लेकिन तनिष्क जरूर होता है हर बैच में। तो मेरे को लगता है तनिष्क इज ऑल्सो बिकमिंग अ कॉमन नेम नाउ। श्रीधर, मनवी था, भाई साहब क्या नाम है भाई, क्या हुआ? और देखो उसमें बीच में कुछ आ जाते हैं, हीरे जिसका नाम है नीरज, कितना सिंपल नाम लेने में मजा आ गया, नीरज सिंपल है भाई। आकृति, भाई साहब अन्य, अन्य बेटा आपको मैं क्या बोलू, अन्या, आनिया, आनिया बोलू, क्या बोलू मैं आपको, आप ही बता दो मेरे को, कॉल करो, हाथ पर करो इसका नाम, और इसका आज नाम का पूरा मतलब ले लेता हूं मैं। हाँ तनिष्क इज न्यू सुमित। चलो भाई ये भी गहरा था, सही है भाई साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है, हाय संचित कैसा है भाई, सभी लोग? भाई साहब दोपहर आते आते तुम्हारे शरीर में से आत्माएं तो नहीं चली जाती, मेरे को तुम्हारी शरीर विद आत्मा चाहिए पढ़ाने, बिकॉज आज हम करने वाले हैं शुरुआत द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। जी हाँ आपने सही सुना, बहुत हो गई बकवास, लास्ट क्लास में बहुत बकवास कर ली, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, ओरिजिन ऑफ लॉ बता दिया, सब हो गया। अब वक्त है पैसा लेके घर से निकल के काम करने का। हाँ सृष्टि मैडम बोलो, आज आप बोलो, मैंने आपका हैंड रेस का जवाब दिया है, बोलो सृष्टि, बोलो बेटा बोलो, सृष्टि हाय, हेलो, हेलो सर, हाय सृष्टि, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर, मुझे एक डाउट था। अरे भाई साहब 1 मिनट, पहले ही दिन मैंने पढ़ाया है नहीं, आपको डाउट आ गया? सर क्लासेस से रिगार्डिंग डाउट अच्छा, था। अरे यार कितना क्यूट आवाज है यार सृष्टि आपका, बताओ कहाँ से बोल रहे हो, पहले आपका डाउट लेंगे हम। सर दिल्ली से। यस दिल्ली से? सर, भाई क्या हाल है, गर्मी और भी हो रही है मैंने सुना, वहां पे अरे बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत ही यहाँ ज्यादा पे। गर्मी है ना? सही बात है यार। सृष्टि आप मुझसे मिले थे क्या जब मैं दिल्ली मैराथन में आया था? अब तो मैं 2 बार आ चुका हूँ। सर आप जब आए थे ना तब मुझे लोकेशन ना मिली नहीं थी, जब ये मतलब भाई मैंने मुझे देखो सर देखो झूठ देखो लड़की का, और लोकेशन नहीं मिली बोल रही है, गाली खा ली तो मैंने रही हो नहीं मिला? लेकिन यूट्यूब पे आपका लाइव देखा था मैंने। अरे मैं ऐसे मजाक कर रहा बेटा, ऐसे छेड़ता रहता हूँ मैं, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा तब लोकेशन मिल जाएगा ना आपको। सर मैं पक्का आऊंगी अगली बार और आपसे कहीं हैंडशेक करके ऐसी तो नहीं कि जाऊंगी। सृष्टि बोल रही है सर कितनी गर्मी है सर, मैं कैसे आऊँ गालिब ऑडिटोरियम में?
नहीं सर, इस बार पक्का होंगे, अगली बार बताओ जब भी भाई सृष्टि आऊंगा। मैडम, आपका प्रॉमिस हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और जल्दी से बताओ आपका क्वेरी क्या है। सर मुझे पूछना था कि आपने लास्ट सेशन में बताया था कि सितंबर 24 के अटेम्प्ट के लिए आप नहीं पढ़ाओगे, स्वाति मैम पढ़ाएंगी बाकी के चैप्टर्स। तो नहीं हाँ मतलब देखो हम जिन्हों दोनों पूरा पढ़ाने वाले हैं, आपको दोनों का मिक्स एंड मैच करना होगा अगर आपको लाइव देखना है, लाइव अगर करना है तो। मैं आपको सर, समझा, लेकिन जिन्होंने इंडिविजुअल बैच लिया है तो उनके लिए कैसे वो करेंगे? सर इंडिविजुअल बैच बेचा ही नहीं है बेटा हमने, इंडिविजुअल बैच है ही नहीं, सभी के पास एक ही कोर्स है, 999 वाला। इंडिविजुअल तो किसी ओके, के पास है ही नहीं। लेकिन सर मैंने तो इंडिविजुअली लिया था बिजनेस लॉ का सिर्फ। हैं? ये कैसे हुआ, ये तो हम बेच ही नहीं रहे, आपने यस खरीद भी लिया भाई साहब। ठीक है एक मिनट रुको, इस पे मेरे को अभी ऑफिस में बात करना हाँ पड़ेगा। सुनो फिर, तुम्हारे लिए एक अच्छा सर, आइडिया मुझे कल आता। से यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हाँ ये तो नया है मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसा तो केस हुआ नहीं, होना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आपको ओल्ड लेक्चर्स के बैकअप अभी मिले हैं? नहीं, अभी नहीं, तक तो नहीं मिले इसी मुझे। इसमें ना ओल्ड लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है एक काम करूंगा, पहले तो मैं ये ओके चेक करवा सर, लूंगा ओके। आपका। अब क्या होगा, मैं आपको ना टीका टीका में बेटा 9 यूनिट्स है, टीका आपके सिलेबस का आपको पता ना, जो सर ये मेरे बना दो रहते मॉड्यूल है हैं। उसमें से एक मॉड्यूल सिर्फ टीका का है, मतलब यस इतना सर, बड़ा है। ठीक है तो ये पूरा टीका ये और उसके बाद भी सोगा और फिर जो दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये दो 3 चीजें तो मैं आपको लाइव यस पढ़ाऊंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है अब क्या यस करना ना, ओल्ड बैकअप से आप रेस्ट कवर कर लेना अगर आप जाने वाले हो सितंबर 24 के लिए। क्या आपने इससे पहले पढ़ा है? यस सर, मैंने आपके लेक्चर्स देखे हैं YT पे। हाँ। नहीं तो फिर इसके मतलब थोड़ा थोड़ा आपने, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट आपने YT पे देख लिया होगा राइट? मैंने ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा है सिर्फ, आपका कंपनी एक्ट मुझे लाइव देखना था इसलिए मैंने वो नहीं अच्छा देखी। तो अभी देखो, पहले तो अभी अपने को श्योर नहीं है सितंबर के एग्जाम का, वो तो नोटिफिकेशन का अपन इंतजार करेंगे। ठीक है ओके अभी सर, एक ऑप्शन आपके पास रहेगा ओल्ड बैकअप का, अगर आपको सिर्फ मुझसे करना है तो, या अभी आपका केस मुझे समझ में आया है, मैं एक बार ऑफिस में जाके बात करके ना स्पेसिफिकली ये केस समझ के लेता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे होंगे और इंडिविजुअल का क्या करना है ना, वो भी मैं देख लेता हूँ। और भी कुछ बच्चे होंगे ओके शायद ऐसे इंडिविजुअल वाले, तो उनका भी फिर हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है चलो, थैंक थैंक यू सो मच भाई, अच्छी बात आपने हमको आज बता दी सृष्टि मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर। मिलते हैं, मैं चलो। म्यूट कर नहीं बेटा मैं कट ही कर रहा हूँ कॉल, मतलब आप आराम से बात लूँ? करो। सर ओके सही है यार, मस्त क्यूट सी आवाज से शुरुआत हो चुकी है आज के क्लास की, और आज हम क्लास में करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लो बेटा इस एक्ट का, ये हमारा इंटरमीडिएट का है भाई। अगर आपको किसी को अभी से इंटरमीडिएट पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कर लेना, फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कल के सेशन में दे रखा है, एकाग्रता सीए का भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और आपको मैंने मेरा वाला भी दिया हुआ है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के, इस जो है ना आपका ये क्या बोलते हैं इसको, अरे क्लास में रहता है ना नोटिस बोर्ड, वो नोटिस बोर्ड पे भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स वहां पर मिल जाए। सर आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे? बेटा अपने अपना टीचर्स का पढ़ाने का तरीका होता है, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लॉ कल बताया था, ठीक है मैंने आपको ओरिजिन ऑफ लॉ बताया था, लॉ क्या होता है मैं आपको एंशंट इजिप्ट से लेके तो इंडिया फिर ब्रिटिशर्स और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। अब वक्त है बेटा धीरे धीरे लॉ के अंदर घुसने का, लॉ को समझने का। एक बार जब लॉ के बेसिक्स को समझोगे ना, उसके बाद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बहुत अच्छा एक इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ रेगुलेटर्स है जो आपको बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल IRDA इंश्योरेंस को डिपार्टमेंट या इंश्योरेंस को कैसे, इंश्योरेंस फील्ड को कैसे रेगुलेट करता है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कैसे रेगुलेट करता है, बट उसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे बेसिक लॉ का एक्ट कौन सा है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि जब से सर हमने होश संभाला है कम से कम हजारों लाखों बार हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। मैं आज आपको प्रूफ करके बताता हूं, क्या कभी आपने अपने स्कूल और कॉलेज के कैंटीन में पैसों से समोसा खरीदा है? जरा हाथ ऊपर करना भाई साहब, रेज योर हैंड इफ यू हैव एवर परचेज एनीथिंग इन योर लाइफ, बताओ ना भाई, समोसा चटनी पोहा दही पेपर कुछ ना कुछ तो लाइफ में परचेज किया होगा, किसने आज तक क्या क्या चलो एक काम करो, आज 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 निकाल लेंगे कौन कितना अमीर है,
आपने अपने जीवन की, ध्यान से सवाल पूछना, कमेंट सेक्शन में लिखना, जो लोग लाइव नहीं देख रहे वो वैसे कमेंट में लिखेंगे जाके, ठीक है। आज तक आपने अपने जीवन में, अपने जीवन में सबसे महंगा ट्रांजैक्शन कौन सा किया हुआ है? चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने अपने पॉकेट मनी से एक, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई वॉच ले ली थी, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ विच इज लाइक विच, आपने ऐसा कौन सा हाईएस्ट वॉल्यूम वाला है ना भाई, मतलब ऐसा करोड़ों का, ओ भाई साहब आईफोन, निधि बेटा पप्पा के पैसे आ कि अपने पैसे? सर फोन खरीदा, भाई साहब मोबाइल फोन सबके, लैपटॉप, कपड़े, अच्छा प्ले स्टेशन, हरमनदीप तेरा एड्रेस दे बेटा मैं आ रहा हूँ, वॉच फोन प्ले स्टेशन 4, हाय 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 हरमनदीप जबरदस्त, यस सर इतना परचेस किया, खुशी बोल रही कि स्कूल वालों ने कैंटीन बंद कर दी। अच्छा रुतिका थोड़ा स्मार्ट खेल गया, रुतिका बोलती सर डबल लाइन का आपका क्लास लिया था। सर 50,000 मम्मी को दिए हैं मैंने, मैंने लॉकडाउन में सेव किया था। रितिका इफ यू डोंट माइंड, इतना पैसा कमाया कहां से तुमने बेटा 10वीं 11वीं में? अभी ये क्या हो रहा है यार, लॉकडाउन में तो मैं नहीं कमा रहा था भाई इतना, ये कहां से कमा रहे हैं? मोबाइल फोन, घर खरीद, व्हाट अननोन, आह बेटा घर खरीद, घर 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 खरीद लिया तुमने जिंदगी में? घर खरीद लिया, खरीद परचेस, ओके। देखो जब मैंने सवाल पूछा था, मुझे अपने बच्चों से उम्मीद थी पार्ले जी का पैकेट, दो डेयरी मिल्क, 3 कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा से ज्यादा 4 चिप्स के पैकेट की, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने मेरा गुरूर और मेरा अहंकार तोड़ा है, घर खरीद लो, घर कौन खरीदता है यार बचपन में, मोबाइल फोन तक ठीक था है, पनीर टिक्का, ये घर कौन खरीदता है? तो भैया इसका मतलब इस क्लास में बैठे सभी लोगों ने जीवन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस्तेमाल किया है, क्यों पता है? क्योंकि जब आप ये घर, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, दौलत, माँ, अरे माँ नहीं सॉरी ज्यादा हो गया, जब आप ये सारी चीजें परचेस कर रहे थे, जाने अनजाने में आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेना एक बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेने के बाद अगर आगे वाला परफॉर्म ना करे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने, ध्यान से सुनना, आप सभी लोगों ने मोबाइल परचेस किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बोला था सर मैंने मोबाइल परचेस किया है। सर क्या होता अगर आप अमेजोन पे पेमेंट करते मोबाइल का, और अगर आपके घर पे मोबाइल कभी डिलीवर ही नहीं होता, तो क्या आपके पास कुछ राइट्स आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? सर वो सब कहाँ पड़ेंगे? सर वो सब कुछ यहां पढ़ेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर जानेंगे इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेस क्या होता है और एजेंसी क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो यूनिट है, जो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सामने आज आपको नजर आ रहा है, ये मेरे हिसाब से फंडामेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको एक लेमैन, एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनाने वाला है। जब हम इस 9 यूनिट के एंड में रहेंगे और आज जब हम यहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, इस यहां से यहां तक का जो आपका जर्नी होगा ना, वो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है, और वो इतना खतरनाक जर्नी होने वाला है कि आप ओवरऑल मैच्योर हो जाओगे इस जर्नी के अंदर, और आपको दुनियादारी समझने लगेगी कि कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे हरकतें करते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर लॉ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा यहाँ पे 18721 लिखा है, ये वन बता देना, इट इज 1872। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं वो ओपन कर लेता हूँ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया कि मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम पढ़ लिया करेंगे, जब मुझे लगेगा कि आप प्रिपेयर्ड हो तब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिलहाल वक्त है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। सर मैंने कल की तरह आज आप लोगों के लिए ना कोई ऐसा हिलता जुलता बूढ़ा इंसान वाला पीपीटी नहीं लाया है, मैंने प्रॉपर सिस्टमेटिकली किताब लाई है। इसका रीजन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मुझे जैसे मैसेज किया था कि सर हम आप लोग का ये बुक लेकर बैठे हैं या हम ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, सो मैं उसी बुक में से पढ़ा रहा हूँ जो बुक मेरी, जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको कल बताई थी, जो अवेलेबल है, मैंने एक बार पूरा प्रमोशन फर्स्ट वीडियो में कर दिया है,
जिसको जो भी जानना है भाई वहां पे जाकर वो जान सकता है। तो मैंने क्योंकि वहां पर सब बता दिया है, अब बहुत सारे बच्चों के पास वो बुक होगी, तो उस बुक में से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ताकि मैं जैसी चीजें अंडरलाइन करता हूं आप लोग भी सिस्टमेटिकली अंडरलाइन करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस बुक्स आर मस्ट बिकॉज उसमें चार्ट्स भी है और क्वेश्चन आंसर्स भी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैं आपको प्रैक्टिस बुक के लिए बोल रहा हूं। इट इज नॉट फॉर माई ओन प्रॉफिट बट फॉर योर ओन प्रॉफिट। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वी नीड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस बुक्स। दिख रहे हो ये बेटा, इस तरह की मैंने प्रैक्टिस बुक बनाई है, इस तरह की प्रैक्टिस पूरे सिलेबस का आप देख रहे हो। ये है ऑल इन वन का प्रैक्टिस बुक, कंप्लीट सिलेबस का प्रैक्टिस बुक है ये, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस बुक में क्या खासियत है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस बुक, अभी इसलिए बता रहा हूँ डे वन पे, क्योंकि अभी से अगर आप इस बुक को लेते हो तो आप जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट कंप्लीट करूंगा वैसे वैसे एक एक यूनिट का आप प्रैक्टिस इस बुक में से शुरू कर सकते हो। सर प्रैक्टिस इन द सेंस कि भैया ये जो अभी सर ने यूनिट पढ़ाया इस यूनिट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सर कैसे पता चलेगा? जब आपके पास 2018 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, वो सारे क्वेश्चंस अगर एक जगह कंपाइल होकर अपडेट होकर इस तरह प्रेजेंट किए गए जिस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर कोई चीज अंडरलाइंड है, इसका मतलब आपको भी अपने आंसर में वो चीज अंडरलाइन करनी है। देख रहे हो यहां पर अगर नॉट सर्टन वॉइड इन दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, तो ये सेम अंडरलाइन आपको भी करना है अपने आंसर लिखते वक्त एग्जाम में। तो सर इसलिए मैंने ये सारी की सारी क्वेश्चंस को कंपाइल करके अमेंड करके बुक बनाई है। दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट सर, जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है या मैंने मन से बनाया है? सर आपको हर क्वेश्चन के बाजू में पता चल जाएगा कि ये नवंबर 2018 का है, आरटीपी का क्वेश्चन है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आरटीपी के क्वेश्चन है, तो मैंने सारे आरटीपी, सारे एमटीपी और सारे पीवाईक्यूज, सो आपको बताया ना रिविजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन और सजेस्टेड आंसर्स, वो सब के सब इसमें कंपाइल किए। तो आज जैसे जैसे मैं यूनिट पढ़ाना शुरू करूंगा आप वैसे वैसे यूनिट बाय यूनिट इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया हमने पढ़ा और डायरेक्ट आप बोल रहे हो लिखने के लिए, बीच में रिविजन भी तो करना पड़ेगा। जी हाँ रिविजन करना पड़ेगा, और रिविजन के लिए मैं ये इतने सुंदर सुंदर चार्ट आपके लिए आया, कलर बुक है, 100% कलर बुक है, और ये बुक भी अवेलेबल है adarshjoshi.com पे। आपको बताए दोनों बुक्स जो अवेलेबल है एज ऑफ नाउ सिर्फ adarshjoshi.com पे अवेलेबल है। ये है चार्ट बुक। अब इस चार्ट, अच्छा हाँ मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि अभी आपको शायद समझ में आए नहीं आए, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने इसके अलावा इन इन चार्ट बुक्स में ना कुछ चीजें ऐड की है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये आपको दिख रही है सेक्शंस का लिस्ट, दिख रहा है ये देखो सेक्शंस का लिस्ट। आप जितने भी अभी हम अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने वाले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये सारे सेक्शंस हमें पढ़ने, दिख रहा है देखो यूनिट बाय यूनिट, जो यूनिट आपको वहां दिखेंगे ना वो यूनिट और उसके नीचे आपको यहां पर दिखेगा उस यूनिट के अंदर आने वाले सेक्शन। ये देखो सर इतने सारे सेक्शन आप हमको पढ़ाएंगे? यस इतने सारे सेक्शन 238 तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कहां से? सर सेक्शन नंबर 1 से। ये देखो सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 238 इतने सारे सेक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। ये सारे सेक्शंस एक एक सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ नहीं मिलता बेटा, है ना, पीडीएफ नहीं है इसका। तो ये आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। फिर आपको सेल ऑफ गुड्स इसके भी सारे सेक्शंस, फिर पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब आप देखो हमने केस लॉस का लिस्ट बनाया। आज हम केस लॉस क्या होता है समझेंगे, जब रियल वर्ल्ड में केसेस होते हैं जो कोर्ट में लड़े जाते हैं उसका हमारे बुक पे क्या इंपैक्ट होता है वो हम पढ़ते हैं, और वो सारे केस लॉज और उस केस लॉ का इंपैक्ट, ये चीजें यहां पे लिखी है। ठीक है बेटा ब्लॉक हो जाएगा यश, समझ रहे हो? ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आएगी। दिख रहा है यहां पे ये सारे केस लॉज की लिस्ट है। इसके अलावा फिर हम शुरू करेंगे अपने चार्ट्स जिससे कि आप क्विक रिविजन कर सकते हो। ये आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चार्ट मिलेगा, ये आपको देख रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 जो अभी हम पढ़ना जा रहे हैं उसका कंप्लीट चार्ट ऑलरेडी है सर। लेकिन मैं चार्ट में से नहीं पढ़ा रहा, मैं चार्ट में से रिवीजन आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, वो मैं हमेशा करवाता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूं। सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप अभी चार्ट में से? क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो चार्ट्स है ये क्विक रिविजन के लिए काम के है, लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त मुझे आपको इनडेप्थ नॉलेज देना है, डिटेल नॉलेज देना है, क्विक क्विक नॉलेज देकर थोड़ी ना हम आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट? तो बेटा सारी बातें होगी संचित, मैं गाइड करूंगा पूरा 6 महीना में आपके साथ हूं, है ना,
डोंट वरी, सेक्शन नंबर्स रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शन नंबर लिखने से हमारा जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये चार्ट्स आपको रिविजन के लिए काम आएंगे। तो मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है, जो मैं बुक में आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको चार्ट्स में से एक बार रिविजन करना है और फिर प्रैक्टिस बुक में से उस पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू कर देना है। दिस इज हाउ अ स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फ्रॉम डे वन इफ यू वॉन्ट टू क्रैक सी ए फाउंडेशन एंड बी अमॉन्ग द टॉपर्स इन सी ए फाउंडेशन। अगर आप चाहते हो कि आपका भी इंटरव्यू आपके फेवरेट एजुकेटर्स ले, अगर आप चाहते हो आपके ऊपर भी गिफ्ट्स की और बरसात हो, अगर आप चाहते हो आप भी अपने पेरेंट्स के आंखों में खुशी और प्राउड वाले आंसू ला सको, अगर आप सच में अपने जीवन में हार्डवर्क करके कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हो जिसको आप जिंदगी भर फ्लॉन्ट कर सको, तो बेटा ये किताबें, ये क्लास और आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन आपको उन चीज तक पहुंचा सकता है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है, आपको बस क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, ईमानदारी से इस बैच को फॉलो करना है। क्या हम तैयार है हमारे टॉपर्स की जर्नी के लिए? अब हम टॉप करेंगे भाई। आर यू गाइज रेडी? कम ऑन मेक सम नॉइस। आर यू गाइज रेडी? मेरे को जोश चाहिए, जोश। जब तक मेरे को चैट में आग नहीं लगती ना, जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता ना कि मेरे हर एक बच्चे के सीने में आग लगी है, दोपहर के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, खाना खा के आए हो, थक गए हो, हार गए हो, हर एक चीज कुछ भी हो जाए, बट मेरे बच्चे के दिल में आग है भाई, ये सब मोह माया है, मैं मेहनत करूंगा और मैं रिजल्ट लाऊंगा, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। क्या करने आए हो यहां पर? भूमि बताओ क्या बनने आए हो? राजवीर चौहान क्या बनने आए हो? क्या बनने आए हो? गौरी, आदित्य, कीर्ति, मौली, संचित क्या बनने आए हो? लिखो आज कमेंट में, आज लिखो कमेंट में आप क्या बनने आए हो, लिखो अपने नाम के सामने एक बार सीए लगाकर तो देखो कि वो जर्नी। यस, लिखो अपना नाम, लिखो भाई अपना नाम, लिखो, एक टारगेट सेट करो, ये टारगेट आपके स्टडी टेबल पे ऊपर क्लियर में लिखा होना चाहिए, एक नेम प्लेट बनाओ जिस पे लिखा है सीए रितिका अग्रवाल, सीए मुस्कान पाल, सीए शुभांशु पालो, लिखो भाई, सीए करण सिंह बनो, सीए श्रेष्ठ जायसवाल बनो। सर आप जब अपना टारगेट अपने दीवार पे उस दिन टांग दोगे ना भाई, आते जाते हर लोग हर वक्त आपको उसकी तरफ इशारा करके दिखाते रहेंगे कि ये तेरा टारगेट है। जब भी नींद आएगी, आलस आएगी, थकान लगेगी, मन नहीं करेगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना, वो चीज आपके सामने से आपको टॉन्ट करेगी कि देख बेटा ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, और आज अगर रुक गया तो बस समझ ले रुक गया। ये बनना है भाई, जोश चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए मरियल क्लास दोपहर 2 बजे, मुझे चाहिए कि जोशी का अगर क्लास है तो उसमें कुछ भी हो जाए, जोश की मैं कमी बर्दाश्त नहीं करूं। चलिए दोस्तों, इसी टारगेट को लेकर आज मैं शुरू करने वाला हूं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर आप ही के पेरेंट्स ने आपको एक दिन 1,000 रुपए दिए और कहा कि जाओ बिग बाजार जाओ, या अपने नजदीकी किराना शॉप में जाओ, या कोई मॉल में जाओ और वहां जाकर शॉपिंग करके आ जाओ। आप मॉल में गए, आपको बहुत सारी चीजें पसंद आती है, किसी ने कपड़ों का शॉपिंग किया, किसी ने खाने पीने के आइटम का शॉपिंग किया, तो किसी ने शूज परचेस कर लिए होंगे, किसी ने स्लीपर्स परचेस किए, कोई गॉगल परचेस कर रहा है। सर वी आर यू नो सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एवरीवेयर वी गो, बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला है कि जब दो लोग मिलते हैं तो उन दो लोगों के बीच में एक बात होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उस बात को हम कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कहते हैं। कैसे कहते हैं, कब कहते हैं, वो भी मैं आपको जरा बता, एक सेकंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड भैया, इसको क्या हो गया? हाँ, ये रफ बुक मैं आपके बैच के लिए बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर ये आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको दे दूंगा, सीए फाउंडेशन, आप भी एक बुक बना लेना लॉ, ठीक है, September 24, December 24 बैच। क्लास बुक, ठीक है, ये आपको अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहां पर
स्टार्ट करना है बेटा जो आपके बुक में, हाँ जी नोट्स आपको लिखना है मेरे साथ साथ बेटा। पूरे के पूरे सिलेबस को मैं आपको शॉर्ट करके नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि हमें बार बार रिविजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना नहीं। मैं ऑलरेडी आपको चार्ट बुक बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो बेटा आप मुझे लॉजिक बताओ ना। मैं अगर आपको समराइज नोट्स लिखा हो, मैं आपको चार्ट्स भी दे रहा हूं, आप किससे पढ़ोगे भाई? मैं क्या बोल रहा हूं, 50 चीजें अपने पास रखने से अच्छा दो चीजें रखो, अच्छी रखो, ठीक है? तो आओ सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे सिलेबस। क्या आप लोगों ने लास्ट टाइम जब मैंने सिलेबस दिया था लिखा था आपने? सर हमने बुक नहीं बनाई थी बेटा, इसलिए मैंने तब आपको बोला था कोई बात नहीं आज आप लिख दो। आओ पावर पॉइंट ओपन करता हूं, मेरे पास तुम्हारा बना हुआ है, आओ इधर आओ, ठीक है? मैंने कल बनाया था एक, ठीक है? इसमें मैंने एक स्लाइड आपको दिखाया था, मोस्टली आप लोगों ने शायद लिखा नहीं होगा, बट नेवर माइंड, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है? सबसे पहले ना ये लिख लो आप अपने बुक में, जी हाँ, ये सिलेबस आपको कंप्लीट लिखना है। सभी लोग लिख लेंगे फटाफट, पीडीएफ नहीं मिलता बेटा, तो बेटा आपको फिजिकल ये बुक परचेस करनी पड़ेगी, या आप मॉड्यूल यूज कर सकते हो टेक्स्ट पढ़ने के लिए, लेकिन ऑल इन वन इज कंपल्सरी। करण नोट्स बनाने का मैंने आंसर दे दिया, कम ऑन मेक सम नॉइस। सबसे पहला चीज अगर आपको जो लिखना है वो ये है, ठीक है? ये कल लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? अगर नहीं लिखा इसके लिए पेज छोड़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसके लिए पेज छोड़ो, या टाइम स्लॉट देख लो, ये टाइम पे आके आपको ये सबसे पहले अपने पेज में लिखना है, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, अभी तो आपने ओवरऑल लिख दिया, अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रेकअप, ठीक है? तो ये अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ब्रेकअप है ये आपको लिखना है, ठीक है? पहले क्या होता था ओल्ड सिलेबस में, मैं आपको ये भी बताता था कि इसमें यूनिट बाय यूनिट मार्क्स ओरिएंटेशन कितना है। फॉर एग्जांपल, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, कंसिडरेशन का कितना है, अदर एसेंशियल का कितना है, परफॉर्मेंस का कितना है, ब्रीच का कितना है, कॉन्टिजेंट कॉजी का कितना है, क्योंकि ये सारे जो है ये एग्जाम में आए थे, कई 2018 से आ रहे थे, हमको हर अटेम्प्ट का एनालिसिस हमारे पास था और मैं आपको बता सकते थे। लेकिन अब चेंज हो चुका है सब कुछ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 नए यूनिट्स ऐड कर दिए गए हैं, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज और एजेंसी वाले। अब ये तीन और तीन यूनिट सिर्फ ऐड नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मार्क्स भी चेंज कर दिया। सो अब मैं आपको अनफॉर्चुनेटली इनसाइड ब्रेकअप नहीं बता पाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ब्रेकअप बता दूंगा प्रीवियसली जो यूज हो रहा था, मैं आपको पार्टनरशिप का बता दूंगा बिकॉज उसमें कोई चेंज नहीं है, मैं आपको कंपनीज एक्ट का भी बता सकता हूँ, ब्रेकअप तो है नहीं उसमें, कोई यूनिट्स नहीं, लेकिन कंपनीज एक्ट का वेटेज आपको बता सकता हूँ, एलएलपी कंपनीज एक्ट का वेटेज नया हमको आया है, उसमें यूनिट्स नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि मैं यूनिट बाय यूनिट अब आपको ब्रेकअप नहीं बता सकता। उसके दो रीजन है, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी वेटेज चेंज हो चुका है, ये आपको पता चल गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी वेटेज चेंज हो चुका है ना, 20 to 30 हो गया है, और इंडिविजुअली भी 3 यूनिट्स ऐड कर दिए गए, जिसकी वजह से इंटरनल इनके जो ब्रेकअप है वो चेंज हो गए। इसलिए अब आपकी इनकी जब एग्जाम होगी अब जून में, तब पता चलेगा कि कितने मार्क्स का किस में से पूछते हैं, ठीक है? फिर धीरे 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 अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट ये डेटा कोलेट होगा, और उसके बाद हमको पता चलेगा, एक अंदाज आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडिविजुअल यूनिट से कितना कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है? तो अभी आप अपने पेज नंबर 2 पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखेंगे, मेन हेडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आपको ऊपर नजर आ रही है, अब वो हेडिंग के जस्ट नीचे आपको वन बाय वन ये सारे यूनिट्स लिखने हैं। अभी इसके आगे के मार्क्स नहीं लिखने, लेकिन इसके सामने कॉलम बनाना है, और वो कॉलम है जून के अटेम्प्ट का। जी हाँ, जब जून में आपकी एग्जाम हो जाएगी, ठीक है, ऐसा आप कॉलम बना लेना जून का, ठीक है? जैसे ही जून में एग्जाम हो जाएगी, जून के एग्जाम में कौन से यूनिट पे कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बताऊंगा, और वो हम आपके इस बुक में यहां पर लिख के रख लेंगे, ताकि एक रफ एस्टिमेट हमको आ जाए कि सर हम एग्जाम में कौन से यूनिट को कितना इंपॉर्टेंस दे, कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिट के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, ये तो मैं डिटेल में बता रहा हूं। क्या आपको समझ में आया? इसका भी एक पेज आपको लिखना है, ये दोनों चीजें आपकी होमवर्क है, ये लिख लिया तो बोलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह, जब मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करूंगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लिखाऊंगा, है ना, इंडिविजुअली सब लिखाऊंगा, अभी आपको सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लिखना है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
चलिए सर, सबसे पहले काम करते हैं, दो पार्टीज को ले लेते हैं, ठीक है। एक पार्टी है ऋतिका, ऋतिका को एक पार्टी बनाया, ठीक है, और एक पार्टी यूट्यूब से ले लेते हैं। यूट्यूब से, यूट्यूब से कौन आएगा भाई, यूट्यूब से कौन आएगा? आयुष को ले लेता हूं, आयुष, ठीक है। आज हम एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, रितिका वॉन्ट्स टू सेल हर मोबाइल फोन, रितिका वॉन्ट्स टू सेल हर मोबाइल फोन। उसने आयुष को एक दिन, ऐसे ही दोनों फ्रेंड्स हैं, सीए फाउंडेशन की क्लास में मिले थे आदर्श सर के, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो एक दिन जब मिले तो रितिका ने आयुष को बोला, यार मैं सोच रही हूं अपना मोबाइल फोन बेच दूं। तो आयुष ने पूछा, कौन सा मोबाइल फोन है तेरे पास? बोलती है, मेरे पास है आईफोन 13। ये चलो, जब कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे तो एकदम भारी वाला करता है, मेरे पास है आईफोन 15 प्रो मैक्स। कितने में लिया था? बोले बोले मैंने लिया था 1,80,000 का। ओ हो, बड़े लोग ते वड्डे वड्डी बातें। आयुष बोल रहा है, यार इवन आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग फोन, है ना, मुझे भी मोबाइल फोन चाहिए है। कितने में बेच रहे हो आप? अब देख रहे हो नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, ये हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन होते रहते हैं, राइट। तो अर्थिका बोलती है, यार देख अभी फोन मैंने मुश्किल से कुछ 4-6 महीना यूज किया है, 6 महीना हो गया होगा, ज्यादा नहीं। सो आई एम विलिंग टू सेल दिस फॉर 1,20,000। 1,20,000। अब आयुष सोच रहा है, यार इट इज नॉट अ बैड डील, 1,20,000 में दिस इज अ वेरी गुड डील। क्या बोलते हो आप लोग, है ना? तो बेटा नवंबर के ऑल इन वन में आपको चार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, है ना, वो चार्ट बहुत बेसिक थे, अभी एकदम डिटेल चार्ट मैंने बनाए, बहुत अलग, आपने देखा भी, टोटली चार्ट्स अलग है, जो आपने देखा वो चार्ट्स और ये चार्ट्स कंपेरेबल ही नहीं है। ये 100% इतना बड़ा पूरा चार्ट का अलग बुक है, वो तो क्या थे, सिर्फ ओवरव्यू था, उसमें टॉपिक के हेडिंग दिए थे, अंदर कुछ नहीं था, यहाँ पे पूरा डिटेल चार्ट बनाया हुआ। चलो तो 1,20,000 की इसने बात करी। अब रितिका ने एक सेंटेंस बोला आयुष को, और सेंटेंस है, ध्यान से देखना, विल यू परचेस माई फोन फॉर ₹1,20,000 क्वेश्चन मार्क। ये ऋतिका ने आयुष को बोला, ठीक है। आयुष ने इसके रिप्लाई में ऋतिका से क्या कहा, बोलता है, यस आई विल। क्या मुझे बताइए, यहां पर इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऋतिका एंड आयुष? आप लिख सकते हो संचित, यस एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं, आप यहां पे लिख सकते हो। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान से देखनी है, जैसे मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये लाइन पढ़ के जो ऊपर रेड पेन से लिखी है, दैट इस लाइन में रितिका इज ऑफरर एंड आयुष इज ऑफरी। और क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है इज नथिंग बट एन ऑफर? देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि रितिका ने एक ऑफर दिया है आयुष को टू परचेज हर फोन? अच्छा, अभी जब से फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ, जब रेड कलर से जो मैंने लिखा है, समझ लो सिर्फ इतना ही हुआ है, अभी तक आयुष ने हाँ नहीं कहा, तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, कोई एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है? लॉ कहता है, नहीं, अभी तो आपने सिर्फ ऑफर दिया है, ऑफर इन इटसेल्फ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसे तो मैं किसी को कितना भी ऑफर दूं, मैं बोलूंगा दीक्षांत को, विल यू परचेज दिस फोन,
या विल यू परचेज दिस पेन, मैं गौरी को बोलूंगा विल यू परचेज माई फोन, मैं श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ को बोलूंगा विल यू परचेज माई कार, ऐसे तो सर आप चाहे जितने ऑफर्स देते बैठो, एंड ऑफर इन इटसेल्फ विल मीन नथिंग अनलेस एंड अंटिल द अदर पर्सन गिव्स हिज एक्सेप्टेंस। अच्छा तो आप कह रहे हो सर ये जो ऊपर ऑफर दिया है ये ऑफर यूजलेस होता अगर नीचे जो एक्सेप्टेंस आया है अगर ये नहीं आ रहा होता, तो इसको क्या मैं एक्सेप्टेंस बोल सकता हूं? नीचे जो लिखा हुआ है क्या मैं इसको एक्सेप्टेंस बोल सकता हूं? अच्छा तो क्या फिर मैं आयुष को यहां पर एक्सेप्टर बोल सकता हूं? करेक्ट। और क्या मैं यहां पर रितिका को क्या बोलूंगा एक्सेप्टी? नहीं सर। अब यहां पर एक नया कंसेप्ट क्रिएट होता है क्या सर? जैसे ही ऑफर को ऑफर को जब भी कभी, यहां पर हमें समझ में आया कि जब भी कभी किसी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो क्या बन जाता है बेटा? एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। तो ये जो पहला पूरा का पूरा केस अभी मैंने आपको बताया, ये जो आपने यहां से देखा ना, ये पूरा का पूरा केस मैं आपको यहां पे हाईलाइट करके देता हूं उसको। ये पूरा जो केस अभी मैंने आपको बताया, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ केस है, क्या इस केस से हमें समझ में आया कि एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट? एक एग्रीमेंट हो गया है बिटवीन टू पीपल, रितिका एंड आयुष। सो पहले रितिका ने ऑफर दिया, आयुष ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सर आगे बढ़ते, क्या एग्रीमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट है? तो लॉ कहता है नहीं, अभी एक और चीज बाकी है। क्या? आइए देखते हैं। ये सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल और क्रिएट करता हूं, ठीक है? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल क्रिएट किया ना, वैसे एक और एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, ठीक है? सृष्टि, क्या नाम है, स्पेलिंग क्या है? हाँ, HTI सृष्टि है। और यहां से भी हम एक को लेंगे, किसको लेंगे? क्रिश। बेटा डिस्काउंट ही चल रहा है क्रिश, अभी जो डबल नाइन चल रहा है ना क्रिश, ये डिस्काउंट ही है बेटा। इससे ज्यादा अगर आप डिस्काउंट की उम्मीद करोगे तो पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है? ध्यान से देखना, यहां पर फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने वाले, ठीक है? सृष्टि ने क्रिश को यहां पर अभी एक ऑफर दिया, ठीक है? ध्यान से देखना, लेट्स गो टू कहाँ जाएंगे? लेट्स गो टू टेम्पल, कहीं और लेके जाना, यहां पर खतरे से खाली नहीं था, है ना? तो मैंने ऑफर दे दिया, लेट्स गो टू टेम्पल। फिर से स्टोरी सेम है, क्या सृष्टि यहां पर बन गई ऑफरर, है ना? और क्रिश बन गया ऑफरी, करेक्ट? बट और ये जो था बीच में ये बन गया ऑफर। लेकिन एन ऑफर इन इटसेल्फ इज नथिंग अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन एक्सेप्टेंस। अब क्रिश भाई साहब भी मंदिर जाने में बड़े इंटरेस्टेड थे, तो क्रिश भाई साहब ने बोला यस लेट्स गो। ओहो हो, मतलब अब यहां पर क्रिश बन गया एक्सेप्टर, करेक्ट? एक्सेप्टर बन गया एंड इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, बराबर? एग्रीमेंट हुआ कि नहीं सर? सर देखो ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों आ गया ना यहां पे, ये एक्सेप्टेंस भी आ गया यहां पे, करेक्ट? एंड देयर फॉर आई कैन से दैट देयर इज एन ऑफर प्लस देयर इज एन एक्सेप्टेंस। वेन एवर देयर इज एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस देयर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है? अब इन दोनों एग्जाम्पल में, मैंने वहां पर भी एक एग्जाम्पल लिया था, यहां पर भी एक एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? लॉ कहता है ये जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया ये एग्रीमेंट बाद में आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये वाला जो एग्रीमेंट है, जो ऊपर मैंने आईफोन बेचने की बात करी थी, ये आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन ये जो नीचे वाला एग्रीमेंट दिख रहा है ना आपको, टेम्पल जाने वाला,
ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। हैं सर क्यों नहीं बन रहा कॉन्ट्रैक्ट? बोले एक पार्ट इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है सर? दिस एग्रीमेंट योर लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज मिसिंग। क्या बोला उसने? लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज मिसिंग। मतलब सर ये वाला जब एग्रीमेंट हो रहा था, अब यहां पर रितिका और आयुष के बीच में एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा था, मतलब अब रितिका अपना मोबाइल फोन बेचने से मना नहीं कर सकती और ना ही आयुष 1,20,000 पे करने से मना कर सकता। अब आयुष 1,19,999 भी अगर पेमेंट करेगा तो भी देर इज अ ब्रीच, तो पूरा का पूरा 1,20,000 का पेमेंट आयुष को करना पड़ेगा और रितिका को अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स बेचना पड़ेगा। अगर रितिका ने फोन बेचने से इनकार कर दिया तो आयुष रितिका को कोर्ट लेके जा सकता है, और अगर आयुष ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो रितिका आयुष को कोर्ट लेकर जा सकती है। बराबर है, लीगली एनफोर्सिएबल हो गया ना। लेकिन गुड आफ्टरनून बेटा, आर्ट ऑफ लिविंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन जब नीचे वाला केस मैंने देखा तो यहां पर सृष्टि ने कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया ही नहीं। उसने तो कैजुअली बोला कि अरे चल अपन क्या टेम्पल जाके आते हैं, मंदिर जाकर आते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मैं आप लोगों को बोलूंगा चलो मेरे साथ मेरे घर पे आ जाओ खाना खाने, फिर आप लोग आ गए तो मैंने खाना नहीं बनाया था तो क्या मेरे को जेल में डाल दोगे? गौर से देखिए इस आदर्श सर को, मासूम से बच्चों को बुलाते हैं घर पे खाना खाने के बहाने और बाद में खाना बनाना भूल जाते हैं। जेल में डालो इनको सर, मुझे जेल में डाला जाएगा क्या? अगर एक पति अपनी पत्नी को बोल रहा है कि जाने मन बर्थडे के दिन मैं तुम्हें 1,00,000 की घड़ी गिफ्ट करूंगा, बर्थडे के दिन पति भूल गया बर्थडे था, तो क्या पत्नी अपने पति को जेल में ठूस सकती है? सर अगर आपकी मम्मी ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको 500 रुपए पर मंथ, सर बहुत कम हो गया, चलो 5,000 रुपए पर मंथ का पॉकेट मनी देंगे, पूरा महीना खत्म हो गया, आपने अपने मम्मी की खिदमत में बहुत काम किए, बहुत मस्का लगाया, मम्मी के हाथ बटाया काम में, कपड़े धोए, बर्तन धोए, झाड़ू किया, पोछा किया, ये उम्मीद में कि मंथ के एंड में आपको मिलेंगे 5,000 रुपए, लेकिन आपके मम्मी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। क्या आप अपने मम्मी को जेल भेज दोगे? आपके पापा ने आपको वादा किया था बेटा सीए पास हो जा मैं तुझे हायाबूसा दिलाऊंगा, हायाबूसा, हाँ नहीं दिलाया हायाबूसा, क्या पापा को जेल में ठूस दोगे? अरे बेटा समझो, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट कैसे होते हैं बेटा, सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स भी होते हैं। सोशल ऑब्लिक डोमेस्टिक नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, ये एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन अगर कोई कमर्शियल नेचर का होता तो, फॉर एग्जाम्पल मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा दर्द भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, औकात भी ले, यू गेटिंग द पॉइंट राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करो, घर बेचने का, गाड़ी बेचने का, मोबाइल बेचने का, घड़ी बेचने का, कुछ खरीदने का, रेंट आउट करने का, सर्विस देने का, सर अगर कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स है तो वो जैसे ही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ वन स्मॉल थिंग कॉल्ड, जल्दी जोर से बोलो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? लीगल एनफोर्सिबिलिटी, लीगल एनफोर्सिबिलिटी। तो सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। क्या मैं लिख सकता हूं? बताना पहले तो ये क्या मैं लिख सकता हूं? क्या
कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, क्या मैं लिख सकता हूं? अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर हमने निकाला था ना सर, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एन एग्रीमेंट इज एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो चलो उसको रिप्लेस करते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी? लिख सकता हूं मैं, समझ में आया यहां तक? क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को आंसर देंगे, ठीक है? टेस्ट, आई एम टेस्टिंग यू नाउ, ध्यान से देखना। सलोनी ऑफर्स टू कुक फॉर अंशिका एंड शी एक्सेप्ट्स। बताओ भाई, क्या सलोनी और अंशिका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, इट इज ओनली एन एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया? डोमेस्टिक ऑब्लिक सोशल में चला गया। चलो बहुत अच्छे। नंबर टू, सहज ऑफर्स टू सेल कार टू प्रिंसी। बताओ भाई क्या है ये? सर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या आपको हर एक चीज पढ़ के नहीं समझ में आ रहा कि कहां पर कमर्शियल नेचर आ गया, और कमर्शियल नेचर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो आप जब किराना दुकान में जाके दूध बिस्किट परचेस करते हो, कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब मूवी में थिएटर में जाके मूवीज देखते हो, कॉन्ट्रैक्ट है। पॉपकॉर्न खरीद के खाते हो, कॉन्ट्रैक्ट है। मेले में जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन समझो आप अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हो, और वो बर्थडे पार्टी में कोई क्लाउन है या कोई मैजिशियन है या कोई से फॉर एग्जाम्पल बलून वाला है, और वो आपके लिए बलून बना रहा है, बट आपने उसको बोला बलून बनाने, लेकिन उसने नहीं बनाया। कैन यू टेक हिम टू कोर्ट? सर आप तो पार्टी में पार्टिसिपेंट हो ना भाई, वो आपको कोई सर्विस नहीं दे रहा, यू आर नॉट पेइंग हिम, देयर इज नो कमर्शियल, आप तो वहां पे एंजॉय करने गए हो। अब आपको समझ में आ रहा है कहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहां पर नहीं होता, ठीक है? वेरी गुड। अब चलते हैं आगे सर, अब चलते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? अभी आपने ऑफर तो समझ लिया, करेक्ट? आपको यह भी पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है? जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना बेटा, ध्यान से सुनना, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो लीगली एनफोर्सेबल जब हो जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनको पता है हम क्या कहते हैं? मैं बताता हूं। से फॉर एग्जाम्पल ए, एक काम करते हैं, ए बी क्यों ले, हमारे पास बच्चे इतने सारे, नाजिया ऑफर्स टू सेल हर मोबाइल टू मोहम्मद मोहसिन, ठीक है? अब यहां पर देखो क्या होगा। से फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद एक्सेप्ट, हमने बाद में देखा कि मोहम्मद ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर ऑफर है प्लस एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब ये एग्रीमेंट बन गया, प्लस ये कमर्शियल नेचर का था, यहां पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी आ गई, देयर फॉर इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। द मोमेंट इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, हम यहां पर नाजिया को बोलेंगे, ध्यान से देखना ये वर्ड, प्रोमिसर, और मोहम्मद को बोलेंगे प्रोमिसी। क्या बोलेंगे? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, करेक्ट? लेकिन
यहां पर आप देख रहे होंगे ध्यान से, यहां पे कितना प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस है या दो प्रॉमिस है, यहां पर कितने प्रॉमिस है? आओ मैं आपको थोड़ा बताता हूं यहां कितने प्रॉमिस है। अभी आप बुक में जाओ ही मत, बुक का एक साथ पढ़ा दूंगा मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूं, फिर बुक में से टेक्स्ट रीडिंग भी करा दूंगा, डोंट वरी। सर यहां पे दो प्रॉमिस है, ठीक है। पहला प्रॉमिस, प्रॉमिस वन, ये दिया है नाजिया ने, जो कहती है से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल वॉज टू बी सोल्ड फॉर एट 10,000, ठीक है ना। तो नाजिया ने प्रॉमिस किया है कि वो अपना मोबाइल किसको दे देगी, मोहम्मद मोहसिन को, ठीक है। और एक प्रॉमिस है, ये वाला प्रॉमिस मोहम्मद मोहसिन ने किया है, वो बोल रहा है वो 10,000 रुपीज देगा किसको, नाजिया को। समझ में आया, ये दो प्रॉमिसेस है, करेक्ट। एंड बोथ ऑफ द प्रॉमिसेस विल बी परफॉर्म एज अ कंसिडरेशन फॉर अदर। सर मतलब नाजिया ये मोबाइल देगी ओनली इफ शी गेट्स 10,000 इन रिटर्न, वेर एज मोहम्मद मोहसिन ये 10,000 देगा ओनली इफ ही इज गेटिंग मोबाइल इन रिटर्न। तो एक व्यक्ति का प्रॉमिस दूसरे व्यक्ति के लिए कंसिडरेशन होता है, और दूसरे व्यक्ति का प्रॉमिस पहले व्यक्ति के लिए कंसिडरेशन होता है। नाजिया ने ये थोड़ी ना कहा था मैं आपको मोबाइल दूंगी, नाजिया ने कहा था मैं आपको मोबाइल दूंगी अगर आप मुझे 10,000 देंगे, और मोहम्मद नाजिम ने भी नहीं कहा था कि मैं आपको 10,000 दूंगा, उसने कहा था मैं आपको 10,000 दूंगा अगर आप मुझे मोबाइल देंगे। तो इसका मतलब यहां पर एवरी प्रॉमिस, ध्यान से सुनना मेरे अगले सेंटेंस, ध्यान से सुनना, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब आओ अपने किताब में, जहां मैं लेके आ रहा हूं वहां पे आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, मैं जहां लेके आ रहा हूं वहां पे आ जाओ। रुको रुको रुको, मैं ला रहा हूं, सुनो सुनो, मैं जहां पे आपको, मैं जहां लेके आ रहा हूं फिलहाल आप वहां पर आओ, ठीक है। ये लाइन पेज नंबर 16 पे आओ, पेज नंबर 16 पे ये लाइन पढ़ो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो कोई भी पर्सन अगर आपसे पूछे भैया एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, सर एग्रीमेंट मतलब क्या, जब दो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करे एज अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो हो गया एग्रीमेंट। सो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। लेकिन अब आपको भी पता है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो सर फिर कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? थोड़ा सा ऊपर आइए, पेज नंबर 15 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसका मतलब पहले तो दो लोगों का प्रॉमिस आया, और ये प्रॉमिस ऐसा वैसा नहीं है कि चल मूवी देखने जाते हैं, चल खाना खाने जाते हैं, चल ये होटल में खा लेते हैं, चल वो फलाना कर लेते हैं, चल ढिमका, नहीं, इट हैज टू बी अ लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट सो दैट इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल यू परचेज माई मोबाइल, विल यू परचेज माई कार, विल यू एक्सेप्ट दिस सर्विस। समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ गया कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है। सर आप बोल रहे थे प्रॉमिस, ये प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? सो प्रॉमिस का भी डेफिनेशन आपको दिया हुआ है सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। आइए पहले उसको इधर देखते हैं और फिर हम लोग प्रॉमिस का मतलब समझते हैं कि सर ये प्रॉमिस मतलब क्या, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिस। सर अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, जैसे यहां पे नाजिया ने ऑफर किया था मोबाइल,
है ना, किसको, मोहम्मद को, बराबर। अगर ऑफरी जो है, ऑफरी का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको ऑफर किया गया है, जो ऑफर कर रहा है उसको बोलते हैं ऑफरर, जिसको ऑफर किया जा रहा है वो है ऑफरी, है ना। तो ये यहां पर जो ऑफरी है, जब वो ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस दे देता है ना, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। द मोमेंट यहां पर मोहम्मद ने कह दिया आई एक्सेप्ट, आई अग्री, जैसे ही यहां पर एक्सेप्टेंस आ गया, देयर इज अ प्रॉमिस, है ना। अब इसका डेफिनेशन भी अगर आप देखेंगे तो बोलता है व्हेन अ पर्सन टू हुम, व्हेन अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। सर ऑफर किसको किया जाता है, ऑफरी को। तो व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड ही सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। एसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एसेंट का मतलब होता है यस कहना, हाँ कहना। व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड ही सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। हमें पता चल जाता है कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, बराबर। और आपको ये जान के खुशी होगी दैट अ प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक बार आपने यहां पर एक्सेप्टेंस दे दिया, माफ करना मोहम्मद मोहसिन, बट अब आप अपने जुबान से पलट नहीं सकते। अब नाजिया जो है आपको पुलिस स्टेशन लेकर जा सकती है, कोर्ट लेकर जा सकती है, अगर आपने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या बोला, व्हेन अ पर्सन टू होम अ प्रपोजल इज मेड ही सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू। आगे वाला व्यक्ति जिसको ऑफर किया जा रहा है वो खुद कह रहा है हाँ, मैं पैसे देने तैयार हूं। अब आप अपने बात से पलट नहीं सकते, अब आपको कोर्ट तक लेके जाया जा सकता है। यू हैव मेड अ प्रॉमिस, एंड व्हेन टू प्रॉमिस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर दे बिकम एग्रीमेंट, एंड व्हेन एग्रीमेंट इज अलॉन्ग विद द लीगल एनफोर्सेबिलिटी इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देख रहे हो मैंने आपको ऑफर से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक की जर्नी बता दी। क्या सभी स्टूडेंट्स को ऑफर से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक की जर्नी पता चल गई कि एक छोटा सा ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? तो सर पहले ऑफर को जरूरत होती है एक्सेप्टेंस की, ठीक है, उसके बाद ये बन जाता है एग्रीमेंट। लेकिन उसके बाद भी कहानी पूरी नहीं होती, एग्रीमेंट के साथ हमें चाहिए होता है लीगल एनफोर्सेबिलिटी, और उसके बाद ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डेफिनेशंस जो मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूं वो आपको लर्न करनी है, ये वाला डेफिनेशन भी लर्न करना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड ही सिग्निफाइज द असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड एंड प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये जो डेफिनेशन है बेटा, यही डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस की। ठीक है सर, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ऑफर की डेफिनेशन क्या है, अभी तक ऑफर आपने डिफाइन नहीं किया, है ना। तो मैं आपको ऑफर का भी डेफिनेशन दे देता हूं। आओ सर, अब हर जगह पे देखो ऑफर मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पे हर जगह पर एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे नाजिया थी, है ना, हमारे इस एग्जाम्पल में नाजिया थी। इसके पहले की हमारे एग्जाम्पल में यहां पर कौन था, यहां पे सृष्टि थी, है ना। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमारे पास रितिका थी। ये लोग कुछ करने या कुछ नहीं करने की विलिंगनेस किसी और व्यक्ति को बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल रितिका ने अपने मोबाइल बेचने की इच्छा आयुष को बताई, है ना। सृष्टि ने अपने टेम्पल जाने की इच्छा क्रिश को बताई। उसके बाद आई थी नाजिया, जिसने अपने मोबाइल बेचने की इच्छा मोहसिन को बताई। आप समझ रहे हो, यहां पे हमेशा से एक व्यक्ति रहा है जिसने अपनी इच्छा, विलिंगनेस टू डू समथिंग, अच्छा वो विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है, उसके भी एग्जाम्पल आगे जाकर दूंगा, वो आगे वाले व्यक्ति को बताए। सर क्यों बताए, व्हाई डिड नाजिया इन्फॉर्म मोहसिन अबाउट दिस, सो दैट मोहसिन कुड हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर। सो द इंटेंशन वॉज दैट अदर पार्टी शुड एक्सेप्ट इट। यहां पे रितिका, नाजिया, सृष्टि, ये लोग चाहते थे कि आगे वाला जो व्यक्ति है वो इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, इस इंटेंशन से इन लोगों ने स्टेटमेंट कहा, है ना। सो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट अदर पर्सन टू एक्सेप्ट, टू से यस टू द ऑफर और टू द स्टेटमेंट, आई विल से दैट आई एम मेकिंग एन ऑफर। तो ऑफर मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है
जो आप आगे वाले व्यक्ति को इस इंटेंशन से कहते हो कि आगे वाला व्यक्ति इस पे हाँ कह दे तो देयर इज एन एग्रीमेंट। अब अगर ये लीगली एनफोर्सेबल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। सो दिस इज एन ऑफर। तो अब हम चलते हैं बेसिक्स बातें करते हैं और इसको सेट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टाइम बहुत ज्यादा ले लिया लेकिन कोई बात नहीं। सर भारत में एक लॉ बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्यों? क्योंकि भारत में कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे थे उनको हमको अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, तो उसके बीच में उन लोगों के बीच में कोई कुछ ना कुछ लॉ लेकर आए, इस इंटेंशन से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाए थे, ठीक है। आप ये सारी चीजें सेल्फ रीड कर सकते हो, मैं आपको सब बता दिया हूं। ये जो आपको बताना चाह रहे हैं ना, ये अलग अलग वेदास, धर्मशास्त्र, स्मृति, मुगल रूल, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आप चाहिए तो इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, इंग्लिश लॉ आया था, ब्रिटिशर्स आए थे, मैंने ये सब आपको कल के सेशन में बताया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आपको यू नो एवरीथिंग, दिस इज बेसिक थिंग्स जो मैंने कल बताई। मेन अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन April 25, 1872, ठीक है। ये एक्ट पूरे के पूरे देश, भारत देश पे लगता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 के बाद क्या हुआ, अब जम्मू और कश्मीर पे भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में भी अगर कोई ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, एनफोर्सेबिलिटी, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। यहां पर इन टोटल, अब इस एक्ट का मैं आपको अगर ब्रेकअप बताऊं, आपको इसका बेयर एक्ट दिखाता हूं तो आपको इसका ब्रेकअप समझ में आएगा। इसका बेयर एक्ट देखिए, आज आप लोगों को कल बेयर एक्ट दिखाना है, मैंने आपको बताया था बेयर एक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको सिखाता हूं बेयर एक्ट डाउनलोड कैसे करते, मैं आज बता दूंगा आपको, डोंट वरी, अभी बता दूंगा। ये बेयर एक्ट देख लेना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है बेटा, हाँ ठीक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट, ठीक है, दिखा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप देखना यहां पे सेक्शन शुरू कहां से हो रहे, सर सेक्शन नंबर 1 से, और कहां पे जाके खत्म होते हैं, एकदम एंड में देखो सेक्शंस का लिस्ट, रुको 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 अभी देखते रहो सर, ये आके खत्म हो रहे हैं सेक्शन नंबर 266 पे। कहां पे सर, सुनो पहले सुन लो, 266 पे, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रेक करूं, लेट से इफ आई ब्रेक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सेक्शन 1 से लेके अभी क्या बताया था, सेक्शन 266 तक है, दिख रहा है, सेक्शन 266 तक है। क्या आपको ये पूरे के पूरे सेक्शंस पढ़ने हैं तो लॉ कहता है नहीं, इसमें क्या हुआ है, हमने इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब यहां पहले 4 हिस्से होते थे, मैं उसका रीजन बताऊंगा। पहला है सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक, ठीक है। एक काम करता हूं अभी भी 4 करके समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ, अगर हमारे उन सेक्शंस की आज बलि चढ़ गई, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, ये होते हैं आपके फर्स्ट 6 यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 6, ठीक है ना, जनरल नेचर, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट, परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो यहां पर आ जाते हैं। अब आप देखना सेक्शन नंबर 76 से लेके, अब आपको दिखा देता हूं ना मैं, फिर बेयर एक्ट क्यों लाया, 123 तक, अब आप देख लेना, ठीक है, ये 76 तक आया हम लोग, ठीक है, ये 75 तक हम लोग आ गए, 76 ऑनवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 75 कर दो, हाँ मैंने 75 ही किया ना, हाँ, तो 76 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, तो देखो 76 ऑनवर्ड्स यहां पर कुछ लॉज हुआ करते थे जो अब रिपील हो गए, प्लक हो गए, निकल गए बाहर, ठीक है। तो कहां तक, 76 से लेके तो इन्होंने पूरे के पूरे 123 तक के जो सेक्शंस थे वो उसमें से निकाल दिए, 123, तो सर फिर निकाल के कहां चले गए, सर ये चले गए आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913, कहां चले गए, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में चले गए। उसके बाद 124 से आए वापस, देखो 124 से दोबारा कुछ सेक्शन से, लेकिन कहां तक आए, सिर्फ और सिर्फ यहां तक, ये बस, ये देखो एजेंसी खत्म, ये एजेंसी के साथ खत्म, ये आपका लास्ट चैप्टर 238 तक, ठीक है ना, 124 से 238,
सेक्शन 124 से 238, ये सेक्शंस भी हुआ करते थे, है ना, ये भी है, मतलब आज भी है। अब ये जो है, ये है आपके यूनिट 7, 8 एंड 9। सर पहले ये सीए इंटरमीडिएट में हुआ करते थे, है ना, अब क्या हुआ, अब ये भी सीए फाउंडेशन में आ गए। सर व्हाट अबाउट सेक्शन 239 से लेके 266, जो आपका आखिरी सेक्शन है बेटा, ये भी अब रिपील हो चुके हैं और ये चले गए हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसे हम टीपा कहते हैं, टीपा लिखता हूं यहां पे जगह के हिसाब से, टीपा में चला गया, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पहला हादसा इस एक्ट के साथ 1930 में हुआ और दूसरा हादसा 32 में। पहले 6 यूनिट्स यहां पर है और 7, 8, 9 यूनिट्स यहां पर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, सर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझेगा मैं जो अगला आपको मेरा प्लान बताने वाला, मेरा प्लान है कि पहले मैं आपको ये पढ़ाऊं, ठीक है, और उसके बाद मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊं। सुनना मेरी बात, सुनो, घबराओ मत, डरो मत, मैं उसके पीछे का इंटेंशन भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये लॉ इस तरह बने थे कि इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अगर थोड़ा नॉलेज हो तो इन सेक्शंस को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। मैं चाहूं तो अभी आपको ये पढ़ा सकता हूं, उसके बाद भी सोगा पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा करके पढ़ाऊंगा आपको ये जो बचे हुए 3 यूनिट्स, उसमें बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है, समझे क्या? और उसके बाद फिर मैं लेकर जाऊं आपको टीपा पे। तो अब हमारी बैच इस तरह से होने वाली है, मैं सबसे पहले अभी यूनिट 1 to 6 पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए 3 यूनिट्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम आगे जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट में, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, पढ़ाना तो मैंने पूरा सिलेबस, लेकिन मैं आपको ये सिस्टम पढ़ा, और आज आपको ये समझेगा कि मैं इसको क्यों इस तरह से, नहीं तो क्या होना, ये नहीं बताओ ना तो बच्चों को ये नहीं समझता कि सर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में से क्यों छोड़ दिया और सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों चालू कर दिया। बच्चों को लगता है सर इतना सारा पढ़ लिया, अब ये 3 यूनिट के लिए क्यों छोड़ रहे हो, ये भी जल्दी से खत्म करो फिर आगे बढ़ो, नहीं, अरे समझो आप, वो एक प्रोसेस है, एक लिंक है, और वो लिंक में पढ़ने का ही मजा है, इसलिए हम लोग भी इस तरह से आगे बढ़ने वाले। डज इट मेक सेंस टू यू गाइस, पहले ये बताओ लॉजिक समझा आपको, क्लियर? तो कल हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, कल और एग्जाम्पल देखेंगे, अब कल थोड़ा सा रीडिंग होगा, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए, जो मेरे को सिर्फ आगे फटाफट फटाफट रीडिंग करना है, ठीक है। अब आप क्या करना, आज का आपका होमवर्क है, आप जल्दी से एक चीज तो कर लेना कि जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बेसिक है ये पढ़ लेना यहां तक, है ना, आप इतना पूरा पढ़ सकते हो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेना, एनफोर्सेबिलिटी तक आप पढ़ सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, कल मैं आपको यहां से वापस एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है बट फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखो ना, ये पता है नहीं क्या मैंने, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना, वो सब पता है आपको, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कल, ठीक है, डन है, कल यानी हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे। तो आपका होमवर्क है थोड़ा रीडिंग करना है, और जिस किसी को बेयर एक्ट डाउनलोड करना है, अगर आपने अभी तक बेयर एक्ट डाउनलोड नहीं किया, और अगर आपको बेयर एक्ट डाउनलोड करना है तो आप आएंगे इंडिया कोड पे, मैंने आपको कल इंडिया कोड के बारे में नहीं बताया था तो मैं आज बताता हूँ, ये है indiacode.nic.in, इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे सर्च एक्ट में आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो भी एक्ट चाहिए बस उसका एक आप वर्ड लिखिए कॉन्ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे दिख गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और गो पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो पूरा एक्ट आ जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ की लिंक पे क्लिक करके आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अब आप दुनिया की जिस इंडिया की जो एक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है कि आपके सिलेबस, जो आपने अभी सिलेबस लिखा है ना, आपके सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन 6 के 6 एक्ट्स का जो बेयर एक्ट है आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखना है, ये आज का आपका होमवर्क, ठीक है। अब किसी के कोई डाउट है तो बता दो, या किसी को कोई बात करनी है तो बता दो, और आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, और जो लोग यूट्यूब पे नहीं है या जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, भाई मैं जानता हूं आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे, इसका मतलब आपका मेरा प्यार कम ज्यादा है क्या, क्या नहीं है ना, आपका मेरा कनेक्ट कम ज्यादा है क्या, सर नहीं है ना, तो एक कमेंट, एक लाइक, जिससे मुझे आपके होने का एहसास हो,
तो YouTube पे क्या होता है ना, YouTube को ये लाइक ये कमेंट ये छोटे छोटे जेस्टर्स YouTube को समझाता है कि ये वीडियोस आपके लिए और आप जैसे कई स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, है ना। थोड़ा स्टोरी वोरी डालो यार, मजा आएगा जरा किसी को। हाँ PDF नोट्स मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, CA फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोग है ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से पढ़ाई करेंगे। अब मैं आपको फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे और सैटरडे 2 PM, ठीक है, ऑनवर्ड्स। अब मैं आपको अगली बार कब मिलने वाला हूँ, कल नहीं मिलने वाला मैं, अब मैं अगली बार आपको सीधा 26 तारीख को मिलने वाला हूँ। तो भूल मत जाना यार, भूल मत जाना इस प्यारे से छोटे से टीचर को। सर PPT का PDF मिलेगा, ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना हो। बट बताओ क्या कुछ चीजें आप यहाँ पे बुक में लिख के अगर सिस्टमेटिक क्लास में करोगे तो मजा आएगा बेटा। एक बुक बनाओ, उसमें लिखो, तो आपको पढ़ाई करने का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, क्या है ना, ऐसे कई स्क्रीनशॉट कई PDF आपके पास पड़े होंगे जो आप दोबारा कभी खोल के नहीं देखते, लेकिन जो किताब अभी आपके हाथ में है, जो रजिस्टर अभी आपके हाथ में है, या पूरा फाउंडेशन उसको पढ़ोगे, तो जो मैं चीजें लिख रहा हूँ लिखा रहा हूँ लिख लो थोड़ा थोड़ा, आपको ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। मैं जेन्युइनली आउट ऑफ आपको एज अ बिग ब्रदर मैं आपको बता। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, थैंक यू। किसी का कोई डाउट रह गया क्या? पक्का आशावरी से बात करेंगे, आशावरी, बाय बाय। सर विल देयर बी एनी चेंजेस इन योर ऑल इन वन एंड चार्ट बुक? बेटा हर अटेम्प्ट के बाद मैं इसको रिवैम्प करता हूँ, चेंज करता हूँ, कितना चेंज होगा वो तो अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट पता चलेगा। आशावरी आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो आशावरी, हेलो हेलो। न्यू ऑल इन वन का बेटा ये नया ही तो ऑल इन वन है, अभी तो लॉन्च किया भाई, अभी 4-5 दिन, कितना है, 8 दिन हुए लॉन्च करके भाई, यही है तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए भी। PDF नोट्स वेबसाइट्स पे नहीं रहेंगे बेटा, ये PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने कल दिया था, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें देखता हूँ मैं कहीं, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास, दिया था यार मैंने, अब ना मेरे को याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। डिस्कार्ड ये है हमारा, ये एकाग्रता CA का टेलीग्राम है और मेरा भी है CA फाउंडेशन लॉ का। आशावरी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, सॉरी। चलो ठीक है बेटा, वो भी कर देंगे हम, इंडिविजुअल का बात करता हूँ मैं। ठीक है, चलो, लॉट्स ऑफ लव गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, टेक केयर बेटा। वो जिया पता चलेगा बेटा, जो नए क्वेश्चंस आए वो तो डालूंगा, बट वो आपको इतना कुछ नहीं, वो 4 क्वेश्चन आप उसमें से भी पढ़ सकते हो ना, क्वेश्चन पेपर में से, वो तो मैं आपके लिए अलग से डिस्कशन करूंगा ही, तो कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला, आप अभी से ले सकते हो, तो अभी से लोगे तो यूनिट बाय यूनिट आप रिवाइज करके यूनिट बाय यूनिट प्रैक्टिस कर पाओगे मेरे साथ। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।